रामपुर जिले में ग्राम पंचायतों के तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा गांव के ही लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किसानों में आक्रोश है, साथ ही प्रधानों की संलिप्तता भी दिख रही है। इस मामले में रामपुर की तहसील शाहबाद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत पर आज उप जिलाधिकारी शाहबाद ने नगर के मोहल्ला खटपुर सहित कई ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया और कार्यवाही की गई। मोती झील लगभग 100 बीघे का यहाँ पर जमीन है, जो मोती झील नाम दर्ज है, और यहाँ पर कुछ लोग अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, और आप मौके पर देख रहे हैं कुछ लोग फसल भी लगा रखे हैं। हमेशा इस बात का विषय रहा है, तो आज तहसील के लेखपाल और चकबंदी विभाग, चूँकि साहबा चकबंदी में है, चकबंदी विभाग के भी कानून और लेखपाल है और टाउन एरिया के कर्मचारी हैं, इसका बृहद सीमांकन किया जा रहा है और सीमांकन करने के पश्चात जो भी अवैध कब्जे हैं उनको हटवाए जाएंगे। नहीं देखिए, ये नगर पंचायत बाद इसका नक्शा नहीं है, आए तो चकबंदी में गाँव, तो चकबंदी विभाग के लोग हैं, टाउन एरिया के पास चूँकि उसका मैप नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, सहयोग कर रहे हैं। बाकी हमारे राजस्व की टीम के लेखपाल लगे हैं, कानगो लगे हैं, चकबंदी विभाग के लोग हैं। कस्बे के अंदर जमीन है, काफी कीमती जमीन है, इसलिए भू माफियाओं की नजर हमेशा रहती है कि इस पे अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करके इसको होने पर दाम पे बेच। नहीं, अभी सीमांकन हो रहा है, सीमांकन होने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर फसल लगी है फसल को जुटवा दिया जाएगा, अगर कोई मकान कोई प्लाटिंग हो रही है इसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामपुर जिले के जितने भी भू माफिया है, जिला अधिकारी को सबकी नोटिस है, सब संज्ञान में है जिला अधिकारी के, हर तहसील दिवस में हर दरखास्त में जिला अधिकारी से लोग मिलते हैं, साहब तालाब का कब्जा हो रहा है, और जिला अधिकारी ने जो निर्देश दिए हैं उनके निर्देश का पालन नहीं हो रहा, तो जिला अधिकारी का जिले में मेरे ख्याल से तो रहना उचित है ही नहीं। देखिए, ग्राम बीरापुर में अवैध कब्जा, ग्राम लश्करगंज में अवैध कब्जा, ग्राम टाडा में अवैध कब्जा, ग्राम चकरपुर कदीम को घेर कर बना लिया लोगों ने, जिसकी शिकायत भी हुई, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुए, SDM ने आदेश भी करा, DM ने आदेश भी करा, इसके बावजूद भी कोई माई का लाल आज तक कब्जा नहीं हटवा सका। कम से कम एक एकड़ भूमि पाट गए, एक एकड़ तालाब पाट गए, उस पर कब्जा करके मकान बने कर दिए, बेचे भी जा रहा है उनको, बेचे जा रहा है, प्लाटिंग हो रही है, जैसे टांडे में प्लाटिंग हुई है खूब डट गए, और सापुरदेव में प्लाटिंग हुई है, ओसी में भी प्लाटिंग हुई है, ढगिया में प्लाटिंग हुई है, इसमें क्या नाम है खेत तिगरी तालाब है, तिगरी राजस्व ग्राम है, गैर आबाद गाँव है, वहाँ पर खेती जो खेती करने वाले किसान हैं उन्होंने पाट गया, अपनी खेती कर रहे हैं तालाब के लिए।